नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल स्टे गेम का। स्टे एक एंड्रॉयड iOS पे अवेलेबल गेम है जो काफ़ी सर्वाइवल टाइप की गेम है, जिसके अंदर आप कनेक्ट होते हैं हमारे गेम के कैरेक्टर के साथ और उसकी मदद करते हैं एक फंसे हुए कमरे में से निकालने के। तो सर थोड़ा हद तक सर्वाइवल कह सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड गेम कह सकते हैं, हॉरर गेम भी कह सकते हैं, क्योंकि एटमोसफियर काफ़ी अजीब, अंधेरे में काफ़ी सेट हुआ है, अजीब अजीब हरकतें हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन चैप्टर 9 पे पहुँचे हम लोग। जी हाँ, चैप्टर 9 पे पहुँचे। चैप्टर 8 बहुत ही छोटा था, लेकिन आप चैप्टर 1-7 हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं क्या हुआ था। अब हुआ ये था, क्विल को अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, उन्होंने जब खोला वो आवाज़ खोजने की कोशिश की तो फिर अजीब सा एक बग निकला है वहाँ पर, कीड़ा जैसे निकले बहुत सारे, उनसे लड़ाई कर रहे थे तभी वो चैप्टर पूरा हुआ है। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं क्विल के साथ और आप देख सकते हैं हम तुरंत करने, ये मैंने जो गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ ये तुरंत कर रहा हूँ, लगभग 5 मिनट का गैप होगा यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि रिदम बनी रहे इसकी, क्योंकि चैप्टर 8 बहुत छोटा था। नाम मुझे देखना है, इंतजार है नाम क्या होगा चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 का नाम है सिस्टा ही नाम है, खाली बहुत छोटा नाम है। चैप्टर 9 शुरू हो रहा है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस मीटर और वो सब देखें, अगर कॉन्फिडेंस तो नहीं लेकिन इनका स्वभाव देखें तो बहुत एंशियस हैं किसी चीज़ के बारे में और बॉन्डिंग कम है थोड़ी। आश्चर्यचकित हो गए किसी बात पे और कह रहे हैं कि अब मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास कर सकता हूँ। मेरे साथ जो 8 जो टाइम है हमारा, इस बीच में जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास कर सकता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पर ऐसी कोई अजीब सी चीज़ देखी जिसे अभी भी मैं विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रही है। मैं हम पूछते हैं कि भाई आप पागल वागल तो नहीं हो गए, आपको कुछ अजीब सा तो नहीं हो रहा है, पैरानॉइड तो नहीं हो गए आप, गुस्सा गए, अरे गड़बड़ कर दी हमने, स्टंड हो गए, अटक गए एकदम से, ओ लॉकस्ट मिला है यहाँ पर, ये क्या है? हिंदी नाम मुझे मालूम नहीं इसका, पर टिक टिक घोड़ा जैसा लग रहा है, पर नहीं नहीं वो नहीं है, ये कुछ और ही है। ये डिस्ट्रिक्शन लाते हैं, इसका मतलब जो है ये जब भी मिलते हैं तो ख़राब होता है, इसका मतलब पनिशमेंट होती है किसी को या फिर कुछ ख़त्म होने वाला होता है। अब पुराने समय में इसका मतलब होता था कि आपकी जो आत्मा है वो भ्रष्ट हो गई है, ख़त्म होने वाली है, पर आज के समय में ये शहद देते हैं और प्रोटीन देते हैं तो आज के समय में सब बढ़िया है इनके लिए। बोल रहे हैं कि मैं पैरानॉइड जैसा अटैक कर व्यवहार कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि भाई मैं और क्या कहूँ मेरे दोस्त, मेरे पास और कुछ यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ें बोलूँ, और मेरे पास उस चीज़ को मैं दिखा भी सकता हूँ कि क्या है। मेरे पूरे शरीर पे छोटे छोटे निशान हो चुके हैं नाक को, यानी किसी चीज़ के स्क्रैच के, वो छोटे शैतान जो कीड़े हैं उनको कह रहे हैं, कह रहे कि मैं उनसे निकल तो गया, वो इतने भी ख़राब नहीं थे, जब मैं उससे निकल गया तब कुछ हुआ है। अब हम पूछते हैं कि भाई तुमको चोट लोट लग गई क्या? उन्होंने कहा मैं उन कीड़ों से तो निकल गया बच के, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा, कॉम्बिनेशन हमारा जो बॉन्डिंग है वो घटा है, यकीन नहीं हो रहा। हाँ जी हाँ, घट गया है थोड़ा, पता नहीं क्यों। बोले चोट तो नहीं लगी है मुझे, और इतना ज़्यादा एड्रेनालिन था मेरे शरीर में कि मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए, बस मुझे देखा कि वो आँख के पास चीज़ें उड़ रही हैं और अचानक से गायब, और मैंने सोचा कि मैं उनका पीछा करता हूँ जो चीज़ें थी वो। और कह रहे हैं कि शायद इसी जो चिमनी वाला हिस्सा है आँख वाला, वहीं से कहीं से निकली हो, कह रहे हो सकता है शायद गुफा उफा हो कुछ। कह रहे हैं कि क्या मुझे चेक करना चाहिए, अगर हम इनका मूड देखें तो थोड़े बहुत एंग्जियस है वो, किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यार कि भाई आप जाओ चेक तो करो, लेकिन गन लेके जाओ। हमारे पास गन का ऑप्शन है और कैट का ऑप्शन है, बहुत अजीब है ऑप्शन है इस तरह के, तो बहुत बड़ा मजाक हुआ यार। एक ऑप्शन है आप जाओ लेकिन बिल्ली को लेके जाओ, आप जाओ लेकिन गन लेके जाओ, क्या हो सकता है वहाँ पर? मजाक करना हो तो कैट ले जा सकते हैं, लेकिन हम सीरियस रहते हैं थोड़ा बहुत, गन लेके जाने को कहते हैं उनको। देखते हैं क्या होता है, कुछ भगुआ है यहाँ पर इनका, एक्साइटेड हो गए। इनका जो हॉर्मोन्स है जिसका नाम है यहाँ पर सेंगुइन, वो बहुत बढ़िया है। अरे यार वो तेरी,
यहां पर बॉन्डिंग घटता जा रहा है मेरे ख्याल से, वो जल्द ही सुसाइड कर लेंगे। कहने की मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मुझे कुछ पता नहीं है क्या होगा कैसा होगा, होप मुझे पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं गन का यूज ना करना पड़े। और यहां पर ये उससे जो चिमनी की, चिमनी नहीं, जो आग की जगह है वहां पर अंदर जा रहे हैं उसके। हाँ कुछ भी हो सकता है। चैप्टर 8 बहुत छोटा था, मजा नहीं आया। जब तक मैं बोला, जब तक समझा सोचा, तब तक तो खत्म। यहाँ पे चैप्टर 9 ने हमें ये एक नई ही जगह ले गया है। हम तो देख पा रहे हैं लेकिन उसने अभी हम तक बताया नहीं है कि वो चीज है क्या। काफी ये किसी फ्लोर पे ले जा रहे हैं इनको। अभी ग्राउंड फ्लोर पे है कि बीच के फ्लोर में है पता नहीं मेरे को। मोबाइल है इनके पास तो कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस है मोबाइल, तो पता नहीं कहेंगे कि नहीं हम लोग। और ये देखिए, ये जहां भी हैं अपनी बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई वाली जगह पे आ गए। मेरे ख्याल से पजल आने वाली है, जबरदस्त पजल आएगी। देखना होगा क्या होगा पजल में। यहाँ पे ये आ गए हैं सामने, यहाँ पर दूरबीन जैसा वो लगा हुआ है, टेलीस्कोप है और खिड़की की तरफ इशारा है टेलीस्कोप का। काफी अजीब होने वाला है, कोई बहुत खतरनाक पजल हो लेकिन समझ में आए ऐसे हो। बोल रहे संगीत क्या तुम वहां पर हो? हाँ भाई हम तो हैं। कह रहे कि उस फायरप्लेस के पीछे एक दरवाजा था और वो किसी सीढ़ी पे ले गया जो उन्हें लग रहा था कि स्वर्ग की सीढ़ी है, बट एक अंधेरे चमकते हुए कमरे में ले गया है जो कि खोए हुए सोने के जैसा लग रहा है। यानी यहाँ पर जैम हो गया पूरा। लिटल बोट मिली है यहाँ पर। हॉर्न कैन नॉट प्रोग्रेस विचुअली विदाउट मूविंग। कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है लिटल बोट का, कि कोई भी इंसान एक जगह रुकेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी भी। और ये उसका निशान है कि आप हमेशा चलते रहो और हमेशा आपको एक मजबूत सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसा कि नाव में होता है, जो ऊपर लगे होते हैं सामान, जो नाव बनी होती है वो। और मुश्किल का सामना होता है और बताया गया कि जैसे हवाएं आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं नाव के सामने, तो वैसे ही जिंदगी में चीज़ें आती हैं। कई बार तुम्हें खराब लगेगा, कभी कभी तुम भटक जाओगे, कभी कभी फ्लो में रहोगे, कभी उसके खिलाफ रहोगे, ये सब बताया गया। इसके नाव का मतलब बताया गया जो मिली है इनको। देखते हैं आगे क्या होता है। कहने की जैसे कि ये हाथियों का शमशान हो यार, बहुत 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 अजीब मतलब है इसका। जहां पर यादें खो जाती हूँ और मैं अभी आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हूँ यहाँ पर। देखते हैं, हम बोलते हैं कि जो क्यू है उसको करते हैं कुछ, जो क्लू मिले हैं इनको उसका कुछ यूज करते हैं हम। हमने बोला है कि ये अब सोचने ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, हमको जो बॉक्स मिला है उसको खोदो या कुछ करने की कोशिश करो। बोले कि यार तुम तो बहुत कठोर इंसान हो यार, तुम तो एकदम बर्फ जैसे हो, बहुत दया भी नहीं कर रहे मेरे को। पर ये बात भी सही है कि हम तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और सही है। अब मेरे ख्याल से पजल आ सकती है, देखना होगा। गो नॉट डू सम एक्सप्लोरेशन, अगर पजल आएगी तो इंटरेस्टिंग होगा गेम प्ले। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, और समझ में आए पजल ऐसी हो तो अच्छा है, वरना तो बहुत। जी हाँ पजल आई है मेरे ख्याल से, तो काफी आसान होगी पजल। जी हाँ अभी तो हमने, अरे नहीं बहुत आगे भी है। अच्छा है, अच्छा है। इतनी आसान होती तो मजा भी नहीं आती मुझे, थोड़ा बहुत तो चैलेंज होना चाहिए गेम में तो ही मजा है। ज्यादा मजा लेना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है हमको। सोचने दो, मैं बिना सोचे कर रहा हूं, अरे थोड़ा समझने दो मेरे को। इसको निकालना है मतलब जो राइट साइड में है उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इन दो को हटाना पड़ेगा, नीचे वाले को। समझ गया, चलो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, लेकिन ये फंस गया। अब ये फंस गया है तो इसके लिए भी एक रास्ता है हमारे पास, उसके लिए हमें इसको यहाँ लाते हैं, ये दोनों को ऊपर भेजते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। देखिए सोचने से कितना फर्क पड़ता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम कोई भी काम सोच समझ के करते हैं तो आसानी से पजल पूरी होती है। दूसरी पजल पूरी है, तीसरी भी आई है। तीसरी इसमें हमें इसको हटाना है जो मैंने अभी मूव किया, उसके अलावा तो ये थोड़ा दिमाग वाला होने वाला है पजल, और सही भी है। कैसे हटेगा ये? हाँ, सही है सही है सही है। देखना होगा, इतना भी सही नहीं लग रहा है। समझ गया, सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। रुको, सोच समझ के करो भाई, सोच समझ के करो तो ही हो पाएगा।
ये नहीं हट रहा है, और इसको हटाने के लिए मुझे उसको उधर ले जाना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा। है भाई ये थोड़ा नहीं, काफी दिमाग वाला पजल है। हम लोग कोशिश करते हैं, पहली बात तो बिना कोशिश के तो यहाँ कुछ होगा नहीं। रुको रुको रुको, ये हुआ रास्ता का क्लियर हो गया। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया रास्ता, यहाँ तक। अब अगर मैं इसको नीचे लाके यहाँ लाता हूँ तो फंस जाएगा ये, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसको लाना तो है नीचे ही, और नीचे के लिए, जी हाँ रुको, मैं थोड़ा बहुत समझा नहीं हूं अभी भी, ये तो जाम हो गया पूरी तरह से। ये नहीं होगा, ये रास्ता नहीं है इसका। इसके लिए हमको इसको थोड़ा पीछे लेते हैं, मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी, और इस जगह के लिए मुझे इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये नीचे तो आ रहा है लेकिन सोच नहीं रहे हम लोग, यही गड़बड़ हो रही है। जब हम यही सोचते हैं तो यही गड़बड़ होती है। देखा, ये फर्क होता है जब हम थोड़ा बहुत सोच के करते हैं। अब भी अगर हम देखें इसको, चलो नीचे ले आते हैं, इसको ले आते हैं पीछे, लेकिन फिर फंस गया ये। अगर इसको हम देखिए फंस चुका है यहाँ पर, और लाते हैं तो इसको भेजते हैं ऊपर, इसको यहाँ लाते हैं, और यहाँ पे पजल होती हुई पूरी। काफी दिमाग लगा, काफी सोचना पड़ा, एक और आएगी, लग नहीं रहा है। नहीं आई, नहीं है, चलिए अच्छा है। काफी थोड़ा बहुत था अंत में, थोड़ा बहुत था लेकिन मजेदार रहा। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगे तो ही गेम में मजा है यार। ये गए थे खोजने, उस पजल को ओपन कर दिया है हमारी मदद से। कहना है कि मैं उन सब चीजों को ढूंढ रहा था, तभी मैं किसी चीज से टकराया हूँ। जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, जो लॉक्ड बॉक्स था जिसको अभी अभी हमने खोला है शायद। कुछ मैट्रियोस का डॉल है कोई, मतलब मुझे नहीं मालूम इसका कुछ है, मतलब जो पुराने जमाने में जो होती थी, कुछ पजल जैसा कुछ होगा। मतलब कहने की एक बॉक्स है जो लॉक्ड है क्रिप्टेक्स कॉम्बिनेशन से, और अगर तुम कोड ब्रेकर जीनियस हो, नहीं हो तो फिर ये रहेगा हमेशा के लिए। और कह रहे कि मैंने कुछ सुना अचानक उन्होंने, वो तो कह रहे कि वो तो लॉक है जो मिला है इनको बॉक्स जैसा। कहने की ये एक लकड़े का टुकड़ा है जो आग से या तो ठंडी से उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी ऊपर नीचे हो जाता है, अनइवन हो जाता है, जैसा कि लकड़े के जो होते हैं, या तो फिर ये एक बहुत बड़ा माउस है, चूहा है। और कहने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं यहां पर। कहने कि मैंने एक अजीब सी चीज देखी है अंधेरे में, कॉर्नर में अंधेरे में, और आदमी की परछाई बन रही है। क्या हो रहा है यहां पर? पर कहने कि वो तो भाई एकदम रुका हुआ है और मूव नहीं कर रहा है, और यहां पर चैप्टर 9 पूरा हुआ है, बहुत ही रोमांचक मौके पे पूरा हुआ है। एक पजल भी आई थी तो पजल तो अच्छी नहीं, मजा आया खेलने में, लेकिन ये जिस समय में पूरा हुआ है ना, बहुत ही रोमांचक है। इनको एक परछाई दिखी आदमी जैसी, वो भी जो कि बहुत ही अजीब लग रही है इनको। बॉक्स जो इनको मिला है वो लॉक है, यानी घूम फिर के ये फिर उसी चक्कर में फंस गए जो इन्फिनिटी का साइन था। घूम फिर के आप जहां से शुरू करते हैं वापस एंड आता है, फिर कोशिश करते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो चैप्टर 9 यहाँ पे पूरा हो रहा है, और हमारा वीडियो भी इसी के साथ, और चैप्टर 10 बहुत इंटरेस्टिंग होगा जैसा कि हम लोग हर बार उम्मीद लगती है। और यहाँ पर तो पूरा सिनेरियो ही अजीब ही क्रिएट हुआ है, एक आदमी की परछाई, क्या होगा आगे, एक खराब बॉक्स जिसके अंदर हो सकता है बहुत बड़ा क्लू हो या की हो या फिर कोई नक्शा हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अभी के लिए हमारा गेम प्ले हो रहा है समाप्त, और जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार वीडियो को चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।